अगर आप ये कॉन्टेस्ट हार जाती हैं, तो आपका टीचिंग करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और आप अग्री करती हैं कि अगर आप हार गईं, तो आप कहीं और पढ़ाएंगी नहीं, मंजूर है? Yes. इस कॉन्टेस्ट के हर सवाल पर एक विनिंग अमाउंट है। जितने सही आंसर्स ये देती रहेंगी, उतना अमाउंट बढ़ता जाएगा। किसी भी स्टेज में अगर ये आंसर नहीं जानते, तो ये आपका जीता अमाउंट लेकर बढ़ते सकती है। लेकिन वो आपकी हार होगी, क्योंकि आपको 100% रिजल्ट लाना है, 10 के 10 सही जवाब। आपको ये भी मंजूर है? जी। गुड, अग्रीमेंट प्लीज। अरे ये क्या है, मैं तो इनको सीधे सीधे 10 लाख रुपए दे रहा था। सर, आपका तरीका सीधा कहाँ था? आप तो पैसे अंडर द टेबल दे रहे थे, खैरात की तरह, जो इन्हें मंजूर नहीं हुई। आज ये जो भी जीतेंगी, अपनी मेरिट पे। हाँ, तो शुरू करते हैं। आपको हर सवाल के जवाब के लिए 1 मिनट का वक्त मिलेगा। आपके लिए एक लाइफ लाइन भी है, जिसके बारे में आपको तब बताऊंगा जब आपको इसकी जरूरत हो। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल 10,000 रुपए के लिए ये। हमारा नेशनल एंथम जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन आ 1915, बी 1911, सी 1942, डी 1947। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी 1911। ये पहली बार 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गाया गया था, ओरिजिनल बंगाली में। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑफिशियली अडॉप्ट हुआ था 24th of January 1950 को एज अ नेशनल एंथम। यस, यू आर राइट, 1911। दूसरा सवाल 20,000 के लिए। सिख धर्म में लड़कों के नाम के साथ सिंह लगाया जाता है, जैसे नवजोत सिंह, सुरजीत सिंह, और लड़कियों के नाम के साथ कौर, जैसे नवजोत कौर, सुजीत कौर। सिंह का साहित्यिक अर्थ है शेर, कौर का साहित्यिक अर्थ क्या है? ए शेरनी, बी शिष्या, सी बेटी, या डी राजकुमारी। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। I think it's शिष्या। शिष्या, disciples, सिख disciples होते हैं गुरु नानक जी के। It should be शिष्या। देखो, सिख शब्द का अर्थ तो disciple है, लेकिन कौर का नहीं। हमारे एक फैमिली फ्रेंड सरदार जी थे, जिनकी बेटी का नाम जीत कौर था। वो हमेशा उसे प्रिंसेस ऑफ विक्ट्री कहते थे। विक्ट्री का मतलब जीत, तो कौर का मतलब होगा प्रिंसेस। Just trust me. Sir, it is D, राजकुमारी। ज्योति जी, शिष्या कहती तो गलत होता। She's right. It's the right answer, राजकुमारी। तीसरा सवाल 50,000 रुपए के लिए। सवाल है, इंडियन एयरफोर्स में आज तक सिर्फ एक ही शख्स को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, उनका नाम बताएं। आपके ऑप्शंस हैं ए विंग कमांडर MS बाबा, बी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, सी ग्रुप कैप्टन अर्जुन सिंह, या डी स्क्वाड्रन लीडर RK शर्मा। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। 1971 वॉर, निर्मलजीत सिंह सेखों। इन्होंने 3 प्लेन गिराए थे और फिर शहीद हो गए थे, आई एम प्रीटी श्योर। बोल दो। ओके, ऑप्शन बी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। यू आर एब्सोल्युटली राइट। करेक्ट आंसर बी, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। और आपको बता दूं, हमारी सरकार ने उनके सम्मान में एक पोस्टल स्टैंप इशू किया था। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस के आंसर के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है? जी। गुड। चौथा क्वेश्चन 1 लाख रुपए के लिए ये। डिस्क्राइब दिस पिक्चर।
ये इंडिया का पहला रॉकेट है, नाइकी अपाचे। 1963 में इसरो ने इसे लॉन्च किया था केरला में तुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च स्टेशन से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया था, क्योंकि स्टेशन पर एक ही लॉन्च पैड था जिसका रास्ता घने नारियल के पेड़ों से होकर गुजरता था। एंड दे आर राइट। सर एक और बात, इस रॉकेट पर जिन साइंटिस्ट ने काम किया था ना, उनमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम साहब भी थे। ताज्जुब है कि ये बात तो यहाँ दर्ज ही नहीं है, और इनकी जनरल नॉलेज तो क्वेश्चन सेट करने वालों से ज्यादा है। क्यों सर, आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, 5 लाख के लिए। दलाई लामा हम सब जानते हैं, लेकिन दलाई और लामा इन शब्दों का अर्थ क्या है? और आपका वक्त शुरू होता है अब। दलाई एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ है विशाल, जैसे कि महासागर, और तिब्बतन जबान में लामा स्पिरिचुअल लीडर को कहते हैं। तो इस पदवी पे जो होते हैं उन्हें दया का महासागर यानी ओशन ऑफ कंपैशन माना जाता है। फिलहाल तो मुझे आप लोग ओशन ऑफ नॉलेज दिख रहे हैं, क्योंकि ये सही और सटीक जवाब है। छठा सवाल, प्राइज मनी 10 लाख रुपए के लिए। ये वीडियो देखिए, ये चश्मे पहने हुए साहब जो नाच रहे हैं ये कौन है? आइडेंटिफाई हिम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैंने सुना ज्योति बहुत अच्छा डांस भी करती है, तुमने डांस का ही क्वेश्चन डाल दिया। रिलैक्स, ये तो कोई फॉरेन फिल्म है। आई, ये मैंने देखी हुई है। क्या सर ये ब्रूस ली है? ब्रूस ली? यस। ब्रूस ली वो फिस्ट ऑफ फ्यूरी एंटर द ड्रैगन का वो फाइटर? यस सर। और वो ये डांसर? नहीं नहीं, मुझे तो यकीन नहीं होता। मुझे पता है सर, ये ब्रूस ली ही है। मेरे हस्बैंड ब्रूस ली के डाई हार्ड फैन है और मैं डांस की, और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि किंग ऑफ मार्शल आर्ट्स ब्रूस ली एक ट्रेन डांसर थे। स्टार बनने से पहले वो चाचा चा सिखाया करते थे। चाचा चा। मुझे तो यकीन नहीं है, बट आपका कॉन्फिडेंस है तो लेट्स सी। क्या है ये? Oh my God, आप बिल्कुल सही हैं। आप जीत गए हैं 10 लाख रुपए। She recognized Bruce Lee too. Not me. Wait for the next question. 7th question, 50 lakhs, 50 लाख रुपए के लिए, और वो है Yahoo, web portal. Yahoo, इसका full form क्या है? याहू का भी कोई फुल फॉर्म है? That's a good question. Well, obviously, याहू का फुल फॉर्म क्या है? And your time starts now. YAHOO officials or Yet another hierarchical officious oracle. Oh God. She's right. They've done it. Wonderful. Wonderful. वैसे मुझे नहीं पता था याहू का भी कोई फुल फॉर्म है। गूगल का भी कोई फुल फॉर्म है क्या भाई? Yes sir, है ना? Really? गूगल Global Organization of Oriented Group Language of Earth.
Oh my God, this is incredible! ये टीचर्स आउटडेटेड नहीं, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। चलिए आठवां सवाल, 1 करोड़ के लिए। टीचर्स रेडी फॉर 1 करोड़। द क्वेश्चन, हु डिजाइन द फर्स्ट पेट्रोल कार? किसने डिजाइन की थी फर्स्ट, पहली पेट्रोल की गाड़ी? हु डिजाइन द फर्स्ट पेट्रोल कार एंड व्हेन, कब? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। You have 30 seconds. Benz 1886। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। यस यार, वाह वाह। आप जीत गई 1 करोड़ रुपए। लगता है लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ रहा है और मेरे दिल की धड़कन। क्या है कि ये मेरा पहला शो है ना, इसलिए। अगला सवाल 2 करोड़ के लिए। 2 करोड़। टीचर्स, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा जब दुनिया की खोज पर निकले थे तो उन्होंने कुछ नक्शे फॉलो किए थे, वो नक्शे किसने बनाए थे? योर टाइम स्टार्ट नाउ। Just 10 seconds now. हमें हेल्पलाइन चाहिए। स्टॉप द क्लॉक। तो गया गया। आपकी हेल्पलाइन ये है कि इस सवाल पर यहां मौजूद टीचर्स में से किसी एक टीचर से आप हेल्प ले सकती हैं। अगर उनका जवाब सही हुआ तो आप 2 करोड़ रुपए जीत जाएंगी और गेम ऑन रहेगा, लेकिन अगर उनका जवाब गलत हुआ तो गेम यहीं खत्म और आपने जितना रुपया जीता है वो 0 हो जाएगा। तो बताइए, आप हेल्पलाइन लेना चाहेंगी या 1 करोड़ रुपए लेके क्विट करेंगी ये गेम? 1 करोड़ रुपया है, ले लो ले लो, है ना? सर फिर भी बात, तो इनके स्वाभिमान का क्या होगा? स्वाभिमान गया खड्डे में, 1 करोड़ माल आ रहा है ना। आई शपथ, सर होते तो ले लेते, आई ना सर। ये पॉलिटिशियंस नहीं, ये टीचर्स हैं, ये आगे खेलेंगे। चुप ना। हम खेलेंगे सर। गुड शो। फिर बताइए, इस टीचर सेक्शन में किस टीचर की हेल्प लेना चाहेंगे आप? मिसेज इंदु शास्त्री। हमारे कंटेस्टेंट्स ने मिसेज इंदु शास्त्री जी को जवाब देने के लिए चुना है। मिसेज इंदु शास्त्री जी प्लीज। मिसेज इंदु शास्त्री जी प्लीज। आ गए।
आई रिपीट द क्वेश्चन फॉर यू। क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा जब दुनिया की खोज पर निकले थे तो उन्होंने कुछ नक्शे फॉलो किए थे, वो नक्शे किसने बनाए थे? ये नक्शे अरब स्कॉलर मोहम्मद अल इदरीसी ने बनाए थे। इनकी एक खास बात थी, ये नक्शों को उल्टा बनाया करते थे, मतलब नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ। लोग इन नक्शों को उल्टा रखकर पढ़ा करते थे। आपको भी कांताबेन स्कूल से निकाला गया था? कमाल की परख है आपकी। थैंक यू। वेरी इंटेलिजेंट, क्या बात है आप दोनों की। क्योंकि जो कह रही है ना, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। यू हैव वन 2 करोड़ रुपीज। थैंक यू मिस्टर शास्त्री, थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कॉन्टेस्ट का आखिरी सवाल, बार बार सवाल, इधर या उधर, आर यू रेडी? प्राइज मनी फॉर 5 करोड़। 5 करोड़ के लिए यह सवाल। श्री हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने ब्रह्मांड का एक रहस्य बताया है, एक सीक्रेट बताया है, वो क्या है? यह आज का आखिरी सवाल है, तो इसमें टाइम लिमिट नहीं है, आप अपना समय ले सकती हैं। मैं रिपीट करता हूं, श्री हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने ब्रह्मांड का एक रहस्य बताया है, वो क्या है आपको बताना है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। एक युग का मतलब 12,000 साल, एक सहस्त्र मतलब 1,000 साल, एक योजन का मतलब 8 मील। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 9,60,00,000 माइल्स। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई देम वी गेट 15,36,00,000 किलोमीटर्स। और भानु मतलब सूर्य। पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो वर्ल्ड साइंटिस्ट ने 18वीं सदी में कैलकुलेट की थी, उसे हमारे तुलसीदास जी 16वीं सदी में ही हनुमान चालीसा में लिख गए थे। Thank you.
आज ये दो टीचर्स ने आपका नागरिक शास्त्र हिला दिया। हाँ, कोई बात नहीं। Brilliant, brilliant, brilliant. I salute these teachers. Wonderful, brilliant, brilliant. अनमोल पारिक साहब, आप अपनी चेकबुक तो लाए हैं ना? या आप ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आप जीतने वाले हैं? और सुनिए, ये डिस्कशन आप बाद में कीजिए, जरा वो 5 करोड़ का चेक लिख लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्लैप प्लीज। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर पारिक, आज वाकई आपका स्कूल बहुत फेमस हो गया। थैंक यू। और आपको याद है कि आपको इन दोनों को स्कूल में रीइंस्टेट करना है, याद है? यस। गुड शो, गुड शो। आप दोनों के लिए प्राइज मनी। वंडरफुल, वेल डिजर्व। एक्सक्यूज मी मैडम, आप शायद कुछ भूल रही हैं। आपको इन सबके सामने इनसे माफी मांगनी थी, प्लीज। नहीं, शायद सुना नहीं आपने। हेलो, आपको इनसे माफी मांगनी है। अरे भाई, आवाज सुनाई दे रही पीछे तक। हेलो हेलो, आपको इनसे माफी मांगनी है। अपोलोजाइज, सॉरी। I'm sorry. तालियां।